हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो चैप्टर 4 है और जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आपके अपने इंग्लिश पापा चैनल में। और फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अभी तक अगर आपने इंग्लिश पापा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अपने भाई को इंग्लिश पापा को सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब कर लो यार और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, अभी अभी हमने अपने 5,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा बस एक बात और बताना चाहता हूँ यार, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली मैं जो मैटर है ना, कोई भी पोएम है, कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आपके फोन पे भेज दूँ, आपके व्हाट्सएप कर दूँ मैं आपको, तो आप मैंने आपको ये नंबर दिया हुआ है यार इंग्लिश बाबा के आगे, देखो ये लिखा हुआ 8059041145। और बहुत सारे बच्चे मुझसे मंगाते भी हैं, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करोगे या उस पर कहोगे सर मुझे ये वाला चैप्टर भेज दो तो मैं आपको भेज दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले इस चैप्टर को यार पढ़ जरूर लेना। इस चैप्टर का ये चैप्टर मैंने दो पार्ट में बनाया, पार्ट वन और पार्ट टू, दोनों पार्ट के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। अब वो पूछ रहा है कि एन फ्रैंक के लिए, वो जो लड़की थी जिसने डायरी लिखी, उसके लिए डायरी में लिखना एक अजीब सा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था। तो यार देखो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस तो ये था भाई, कोई काम तुमने जिंदगी में कभी किया नहीं और कोई काम जब तुम पहली बार करते हो तो अजीब तो लगता ही है, तो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, उसने भी कभी डायरी तो लिखी नहीं थी। पढ़ते आंसर। इट वॉज द फर्स्ट टाइम एन वॉज राइटिंग इन अ डायरी, पहली बार वो डायरी में लिख रही थी। शी फेल्ट दैट लेटर नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग, उसे ऐसा लगा कि बाद में उसकी डायरी को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड होगा भी नहीं। अबाउट द थॉट्स ऑफ अ यंग गर्ल, कि एक छोटी सी लड़की के जो 13 साल की है उसके थॉट्स पढ़ने का कौन इंटरेस्ट दिखाएगा, कोई कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। बोथ दीज फैक्ट्स मेड इट अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। तो मतलब पहली चीज तो वो पहली बार डायरी में लिख रही थी, एक तो इसलिए अजीब लग रहा था, दूसरा उसे अजीब इसलिए लग रहा था उसने सोचा यार मेरी डायरी में कोई क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूँ। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी, जो एन है वो जो लड़की एन फ्रैंक वो डायरी क्यों रखना चाहती है। एन वॉन्टेड टू कीप अ डायरी एंड राइट इन इट बिकॉज शी हैड अ लॉट गोइंग इन हर हेड, वो इसलिए रखना चाहती थी एक डायरी क्योंकि उसके कहते नहीं कभी कभी हमारे दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो वो उन बातों को लिखना चाहती थी एक डायरी में। शी हैड नो फ्रेंड विद हुम शी कुड टॉक अबाउट सच पर्सनल स्टफ। अच्छा उसके आसपास उसके दोस्त तो थे, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो उसके दोस्त तो थे, लेकिन कोई भी उसका ऐसा फास्ट फ्रेंड नहीं था, कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो पर्सनल चीजें शेयर कर पाए। तो उसने सोचा यार जब मेरे पास कोई ऐसा नहीं तो इससे बढ़िया अपनी डायरी को ही मैं फ्रेंड बना लूं और डायरी में ही अपने विचार लिखूं। दस शी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी, इसलिए उसने इस तरह से उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी मेंटेन करेगी, डायरी में ही अपने विचार लिखेगी। व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन पीपल, एन को ऐसा क्यों लगा, उसने ऐसा क्यों सोचा कि वो डायरी में डायरी के साथ अपने जो सीक्रेट्स हैं अपनी बातें हैं वो ज्यादा शेयर कर सकती है रेदर देन पीपल, लोगों के बजाय। अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एन फ्रैंक को क्या लगता था कि जो पेपर होता है ना भाई, पेपर तो नॉन लिविंग होता है, उसके ऊपर वो अपनी पूरी भड़ास निकाल सकती है, जो चाहे वो लिख सकती है और जो डायरी होगी वो अवेलेबल होगी उसे 24/7 कभी भी। लेकिन जो लोग हैं आजकल के लोग इतने मतलबी हो गए, किसी के पास टाइम नहीं है किसी की दूसरी बातों को सुनने के लिए, तो वो लिखती है पेपर हैज मोर पेशेंस, और पेपर के अंदर हमेशा पेशेंस है ना लोग। शी चूज टू कन्फाइंड मोर इन हर डायरी बिकॉज शी फेल्ट देयर वॉज नो फ्रेंड, उसने अपनी डायरी के साथ अपने मतलब रिलेशन कहूँ या मैं कहूँ अपने सीक्रेट को साझा करना ज्यादा बेहतर समझा रेदर देन ए फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था हु कुड लिसन टू हर विदाउट इनफ पेशेंस विद इनफ पेशेंस, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो हर टाइम। और देखो जब हमारा यार कोई पर्सनल सीक्रेट होता है, पर्सनल कोई बातें होती हैं, तो यार अब हम क्या करते हैं, हम उसे हर किसी को जाके तो बताते नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसे दो फ्रेंड हो, एक फ्रेंड हमारा ऐसा हो, तो उसका कोई ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिस पे वो पूरी तरह से ट्रस्ट कर पाए, तो इसलिए उसने सोचा कि भैया डायरी लिखना ही ज़्यादा बेटर है। वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, जब वो डायरी लिखती है तो वो थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन क्यों देती है, ब्रीफ स्केच क्यों देती है। आंसर देखो, एन फील्स इट वुड बी वियर टू जस्ट सिंपली जॉट डाउन द फैक्ट्स विदाउट गिविंग हर बैकग्राउंड, एन को लगता है भाई अगर मैं डायरेक्ट कुछ ना कुछ बातें लिखने लग जाऊंगी अपने बारे में कुछ नहीं लिखूंगी तो ये बड़ा अजीब सा होगा, वियर्ड होगा। इन केस समवन माइट रीड इट इन फ्यूचर ही और शी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेगली स्टेटेड फैक्ट्स, वो कहती है अगर बाय चांस, वैसे तो उसे लगता है कि भैया उसकी डायरी में कौन इंटरेस्ट लेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन फिर भी वो कहती है बाय चांस अगर भैया कुछ ऐसा हो गया, किसी ने कोई पढ़ी मेरी डायरी में, रहूं ना रहूं तो कम से कम उसे पता तो चले मेरे बारे में कि भैया ये डायरी किसने लिखी है। दस शी डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि भाई मैं
थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताऊंगी, तब जाके इसमें लिखूंगी। वॉट टेल्स यू दैट एन फ्रैंक लव्ड हर ग्रैंडमदर। अब हमें एज अ रीडर कैसे पता चलता है जो एन थी वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी? तो आंसर देखिए, द फैक्ट दैट एनी एन स्पेंट सम पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड विद हर ग्रैंडमदर इज सेल्फ सफिशियंट टू इम्प्लाई कनेक्शन बिटवीन द टू। अब अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो स्टोरी में आपको पता चल जाता है कि एन फ्रैंक ने अपने बचपन का कुछ पार्ट अपनी दादी के साथ बिताया था। तो जब दादी के साथ अगर कोई बचपन में रहा है बच्चा, अगर आप देखा भी होगा आपने मूवीज वगैरह में, बचपन में जो भी बच्चे के साथ ज्यादा रहता है बच्चे का उसके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। तो एक तो उसका कनेक्शन था। ऑल्सो शी मेंशनड इन हर डायरी दैट शी मिसेज हर ग्रैंडमदर मोर देन एनीवन इज अवेयर ऑफ इज एविडेंट इनफ दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर। और हमें इस वाली बात से और पता चलता है कि जब वो डायरी में अपनी खास खास बातें लिख रही होती है तो वो अपनी ग्रैंड मदर के भी बारे में लिखती है, और वो कहती है शायद लोगों को पता नहीं है कि मैं अपनी दादी माँ को कितना मिस करती हूँ, कितना उन्हें याद करती हूँ और कितना उन्हें प्यार करती हूँ। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि भाई वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एन, वाई डिड ही आस्क हर टू डू। अब देखो मिस्टर कीसिंग कौन थे? मिस्टर कीसिंग उसके एक टीचर थे जो कि उसे मैथ पढ़ाते थे। अनॉयड का मतलब होता है चिढ़ जाना, मतलब वो उसे परेशान क्यों थे एन से? ऐसी क्या बात थी एन की जिस जो मिस्टर कीसिंग को यानी उनके टीचर को पढ़ाते वक्त परेशान करती थी एन की? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और एज अ पनिशमेंट उन्होंने क्या करने को कहा एन को? आंसर देखो, मिस्टर कीसिंग एन्स मैथ प्रोफेसर वाज अनॉयड विद हर बिकॉज शी वुड नॉट स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग हिज लेक्चर्स। इसलिए वो उससे ज्यादा मतलब चिड़े चिड़े रहते थे, गुस्सा रहते थे, क्योंकि वो उनके लेक्चर, भाई अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी भी टीचर को गुस्सा आएगा ही आएगा। तो इसी बात पे उन्हें गुस्सा आता था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही गेव हर असाइनमेंट्स एज पनिशमेंट, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पनिशमेंट देने की बजाय उन्होंने पनिशमेंट के रूप में उसे असाइनमेंट लिखने को दिए। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि बच्चे को कह देते हैं यही वाला चैप्टर 5 बार करके लाना है, ले। चलो, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बींग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि जो सर होते हैं, जो मिस्टर कीसिंग होते हैं, वो कहते हैं तुम चैटर बॉक्स के ऊपर एक एसे लिख के लाओगी। तो वो जो चाल चलती है एन फ्रैंक, वो चैटर बॉक्स के ऊपर एसे तो लिखती है जो उसे पनिशमेंट मिलता है, लेकिन उसमें इस तरह से दिखाती है कि चैटर बॉक्स होना कोई गलत बात नहीं है। आंसर देखो, एन एक्सप्लेन दैट शी गॉट दिस हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर। एन ये एक्सप्लेन करती है कि ये वाली जो आदत है ज्यादा बोलने वाली मुझे मेरी मम्मी से मिली है, मेंशनिंग दैट इट वाज इनहेरिटेड। अब देखो इनहेरिटेड क्या होता है, ऐसी चीजें जो आपको अपने माँ बाप से मिलती हैं, डीएनए में मिलती हैं, जो चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, बायोलॉजिकली। तो उन्हें कहते हैं, तो वो कहती है कि भाई मैं क्या करूं सर, जब ये चीज मुझे इनहेरिटेड मिली है, मेरी मम्मी भी बहुत बातें करती हैं, खैर औरतें तो बातों नहीं होती हैं, हमें क्या करना। वॉट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। जो मिस्टर कीसिंग थे, क्या अब ऐसा क्या हो गया क्लास में कि उन्होंने एन को अलाउ कर दिया कि भाई अब तुम बातें कर सकती हो? हैं जो टीचर पहले बड़ा चिढ़ता था, पनिशमेंट देता था, अब क्या हो गया उसने अलाउ कर दिया? आंसर देखो, ऑन बीइंग गिवन द थर्ड असाइनमेंट एज पनिशमेंट, जब उन्होंने पहला असाइनमेंट दिया, दूसरा असाइनमेंट, जब तीसरा असाइनमेंट दिया ना लिखने के लिए, एन रॉट अ सटायरिकल पीस विच वॉज क्वाइट प्रोमिसिंग। अब देखो सटायर का मतलब क्या होता है, सटायर का मतलब होता है किसी पर व्यंग करना, किसी को इनडायरेक्टली मतलब उसे नीचा दिखाना, इनडायरेक्टली। तो वो सटायर करती है उनपे और क्या कहती है, प्रॉमिसिंग दस फाइनली द प्रोफेसर अलाउड हर टू टॉक। वैसे इसमें पूरा नहीं दिया लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ। उसने एक कहानी लिखी थी कि किस तरह से छोटे बच्चे जो होते हैं डक के वो मर जाते हैं क्योंकि जो उनका फादर था वो उन्हें बात नहीं करने देता था। तो ये बड़ा फनी सा लगता है मिस्टर कीसिंग को, और वो उसे अलाउ कर देते हैं बात करने के लिए। वॉज एन राइट वेन शी सेड that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl. जब एन ये वाली बात कहती है कि जो संसार है वो 13 साल की जो लड़की है उसके विचारों में, म्यूजिंग का मतलब है उसके थॉट्स प्रोसेस में, उसके विचारों में, उसके द्वारा जो लिखी हुई डायरी है उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो क्या ये बात सही है? तो आंसर देखो, येस एन वॉज राइट इन थिंकिंग दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13-year-old girl. भाई सही बात है यार, अगर भाई कोई डायरी लिख रहा है जिसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, भाई तुम दीपिका पादुकोण तो हो नहीं, है ना, तुम जस्टिन बीबर तो हो नहीं कि तुम्हारी डायरी पढ़ने में दुनिया इंटरेस्ट दिखाएगी, ऐसे तो हजारों लोग हैं, तो वो सही बात कह रही है कि भाई मेरी डायरी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा। एज शी वॉज कॉमन गर्ल नो वन वुड टू नो हर फीलिंग्स एंड सो नो वन वुड रीड हर डायरी, क्योंकि वो एक कॉमन बच्ची है। अब कॉमन लड़की है तो
किसी को उसकी फीलिंग्स में क्या इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए कोई उसकी डायरी नहीं पढ़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, जो उसका जो सोचना था वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जनरल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। अब देखो, जब चैप्टर शुरू हुआ था तो बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में कुछ डायरी से जनरल एंट्रीज दी गई हैं। कंपेयर दीज विद दैट एनी राइट्स इन, और इन एंट्रीज को आपको एन की जो डायरी है उससे कंपेयर करना है। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, जो एन ने अपनी जो डायरी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी सचमुच में। इन दैट, इन व्हाट वे इज एन्स डायरी डिफरेंट, और किस तरह से जो एन की डायरी है दूसरों से अलग है। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन हो गए हैं। चलो, एन्स डायरी वॉज एक्चुअली रिटन इन डच, एन की जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी। हर डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑफ अदर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, उसकी जो डायरी है वो दूसरों से कई बातों में अलग है। जैसे शी हैड नेम्ड हर डायरी किटी, नंबर वन, वो अपनी डायरी को डायरी नहीं कहती थी, कोई नॉन लिविंग बींग नहीं मानती थी, वो उसे अपना फ्रेंड मानती थी, और उसने अपनी डायरी का एक नाम रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? किटी। शी थॉट ऑफ इट एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड, और वो सोचती थी मेरा कोई सच्चा दोस्त तो है नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं, तो मेरी डायरी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शी कुड कन्फाइंड इन किटी, और किटी के साथ वो अपने सीक्रेट शेयर कर सकती थी। शी ट्रीटेड इट एज अनदर पर्सन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर, वो उसे दूसरे, मतलब वो उसे डायरी नॉन लिविंग नहीं मानती थी, वो इसे लिविंग बींग की तरह मानती थी, और वो उसे दूसरे पर्सन की तरह ट्रीट करती थी, उस क्योंकि उसे उसका मानना था पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। देखो, ये बार बार ये वाला सेंटेंस आ रहा है इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये एज इट इज लिया गया है, क्योंकि उसका मानना था एक पेपर के अंदर, एक कागज के अंदर ज्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है लोगों की तुलना में। शी स्टार्टेड बाई राइटिंग डियरेस्ट किटी, और जब भी वो लिखती थी डियरेस्ट किटी। अब देखो, डियरेस्ट हम किसके लिए लिखते हैं? जैसे मैं अपनी मदर को लिख रहा हूँ, अपनी वाइफ को लिख रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को लिख रहा हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को लिख रहा हूँ, तो हम लिखते हैं डियरेस्ट वो, है ना, सबसे प्यारे। तो वो भी अपनी डायरी में ऐसे लिखती थी। एंड एंडेड द अकाउंट बाई राइटिंग योर्स एन, और खत्म कैसे करती थी? योर्स एन। अब देखो यार, तुम अपने किसी चाहने वाले को लेटर लिख रहे हो तो लास्ट में लिखते हो योर्स, केवल तुम्हारा, केवल तुम्हारी। हाँ हाँ, शाबाश बेटे, पढ़े रहो प्यार में। चलो आगे चलते हैं। Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or outsider? जो Anne है वो अपने घर वालों के बारे में थोड़ा सा introduction क्यों देती है अपनी diary में, और वो अपनी diary को एक insider, insider means होता है घर का अपना सदस्य, घर के जो family members होते हैं उन्हें insider कहते हैं, और outsider कौन होते हैं? जो बाहर के लोग होते हैं। तो क्या वो अपनी जो diary है, Kitty जिसका नाम है, उसे insider मानती है, अंदर का मानती है, घर का सदस्य मानती है, या बाहर का? Answer: Anne feels it would be weird to just simply jot down the facts without giving her background. Anne को लगता है कि यार, अगर मैं डायरेक्ट अपने फैक्ट्स लिखना शुरू कर दूं तो ज्यादा सही नहीं होगा, थोड़ा सा मुझे अपना भी और अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देना सही रहेगा। In case someone might read it in future, she won't be able to understand, he or she won't be able to understand vaguely stated facts. और उसे ऐसा लगता है यार, वैसे तो मेरी डायरी कोई पढ़ेगा नहीं, अगर बाई चांस भूल चूक किसी ने पढ़ ली तो ही और शी, अगर कोई लड़का हुआ तो ही लगा हुआ है, लड़की हुई तो शी लगा हुआ है, तो उसे समझ में नहीं आएगा यार ये किसकी डायरी है, क्या लिखा है। वेगली का मतलब होता है अनक्लियर, जो स्पष्ट ना हो। तो इसलिए वो डिसाइड कर लेती है टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, इसलिए वो अपनी लाइफ के बारे में, अपने फैमिली के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें वो लिखती है, कि मेरे पापा ने 36 साल की उम्र में शादी करी, मम्मी ने इसमें शादी करी, मेरी बड़ी बहन है, ये सब बातें वो लिखती है। शी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर, वो किटी को यानी अपनी डायरी को इनसाइडर की तरह ट्रीट करती है, अपने फैमिली मेंबर की तरह, एज इट वॉज हर ओनली ट्रू फ्रेंड, क्योंकि ये ही उसका एक अकेला सच्चा साथी था, दोस्त था, विद होम शी कुड शेयर ईच एंड एवरीथिंग, और उसी के साथ वो हर चीज शेयर कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर क्यूपेरस, मिस्टर कीसिंग, वॉट डू दीज ऑल टेल यू अबाउट हर। देखो यार, फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है ना तो कोई फायदा नहीं है भाई ये करने का, क्योंकि देखो जिसने चैप्टर पढ़ा होगा वो देखते ही बता देगा मिस्टर कीसिंग मैथ्स के टीचर थे, ग्रैंड मदर उसकी एक्सपायर हो गई थी, उसके पापा बहुत लविंग थे, ठीक है, वो इन सारी चीजों से आपको क्या पता चलता है। आंसर देखो, अकॉर्डिंग टू एन हर फादर इज द मोस्ट लवेबल मैन वन कुड एवर कम अक्रॉस, एन के अकॉर्डिंग उसके जो पापा हैं वो सबसे प्यारे पर्सन है जो उसे कभी मिले हैं या कोई भी मिलेगा, मतलब वो उनकी बहुत तारीफ करती है। शी लव्ड एंड मिस्ड हर ग्रैंड मदर मोर देन शी शोड, वो कहती है वो दिखाती नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस करती है और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी वॉज इन गुड टर्म्स विद हर टीचर, एक्सेप्ट द ओल्ड फॉगी मिस्टर कीसिंग हु टॉट हर देम मैथमेटिक्स, उसके जितने भी टीचर थे उसके साथ उसके बढ़िया संबंध थे, क्योंकि सब उसकी तारीफ करते थे, सिवाय एक टीचर के, मिस्टर कीसिंग, जो कि बड़े ओल्ड फैशन टीचर थे, मैथ्स के जो टीचर
टीचर थे. द हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपेरिस वॉज हर क्लास टीचर एंड बोथ वर वेरी क्लोज टू ईच अदर. और उसकी एक टीचर थी जो क्लास टीचर भी थी, हेड मिस्ट्रेस जो थी मिसेस क्यूपेरिस, उसके साथ भी उसके जो रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे और दोनों बहुत दूसरे एक दूसरे के साथ क्या थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे. मिस्टर कीसिंग ऑफन पनिश्ड एन विद एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स एज अ पनिशमेंट फॉर अ टॉकेटिव नेचर. लेकिन जो मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीसिंग, वो अक्सर उसे सजा दिया करते थे, पनिश किया करते थे, और पनिशमेंट के रूप में उसे क्या देते थे, असाइनमेंट देते थे कि अब तुम्हें इसके ऊपर लिख के लाना है, अब तुम्हें चैटर बॉक्स के लिख के ऊपर लाना है, अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें वो करना है. These indicate that Anne was affectionate and a loving person. तो हमें क्या पता चलता है, देखो वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, दादी से बहुत प्यार करती थी, उसके टीचर उसे सारे बहुत प्यार करते थे. मतलब होता है ना कि यार 100 में से अगर कोई 99 लोग 99 लोग किसी पर्सन को पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यार उसके अंदर कोई खास बात है. तो इन सारी बातों से हमें पता चल जाता है कि वो एक अच्छी थी, लविंग थी. ठीक है, वॉट डज एन राइट इन हर डायरी फर्स्ट एसे. जो एन है वो अपनी डायरी के पहले एसे में क्या लिखती है, आंसर देखो. इन हर एसे एन मेंशन दैट शी विल ट्राई हर बेस्ट टू मिनिमाइज टॉकिंग बिटवीन लेक्चर्स, बट दिस इज अ ट्रेट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर एंड इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट एन इनहेरिटेड ट्रेट. वो क्या लिखती है पहले एसे में जो मिस्टर कीसिंग ने उसे दिया था, कि वो पूरी कोशिश करेगी कि वो क्लास में कम से कम बात करे. लेकिन वो ये भी लिखती है क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं और ये मुझे टॉकेटिव जो नेचर है मेरी मम्मी से मिला है. इनहेरिटेड मतलब मम्मी से मिला है उसे बायोलॉजिकली, तो यार मुश्किल भी होगी मेरे लिए कम बातें करना. ऑल्सो आवर मदर टॉक्स एज मच एज शी डज इफ नॉट मोर. और वो कहती है कि मेरी मम्मी भी इतनी ज़्यादा बातें करती हैं और हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही बातें करती हूँ. शी ऑल्सो स्ट्रेस दैट टॉकिंग वॉज अ नेसेसरी क्वालिटी फॉर अ गुड स्टूडेंट. और उसने एक चीज़ और लिखी कि अच्छे स्टूडेंट की एक और क्वालिटी होती है कि वो ज़्यादा बातूनी होते हैं, यानी बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देखो ये थोड़े से इसमें चैप्टर्स में क्वेश्चन आंसर ज़्यादा हैं, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब देखो यार आपके ऊपर है. जब आप एक चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह से आने लगती हैं. एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल. अब देखो यार अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, आपने मैच देखा होगा, तो मैच में होता है बताओ प्रिडिक्ट करोगे इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, मतलब अनुमान लगाना. तो एन कहती है यार टीचर्स बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता. एक पल में बढ़िया हो जाए, एक पल में बेकार हो जाए, है ना. इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ. क्या जो मिस्टर कीसिंग है वो अनप्रिडिक्टेबल है कैसे, आंसर देखो. यस मिस्टर कीसिंग इज एन अनप्रिडिक्टेबल पर्सन. सही बात है, अनप्रिडिक्टेबल है. ही इज एंग्री विद एन फॉर बींग टॉकेटिव इन क्लास एंड गिव्स हर एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स एज अ पनिशमेंट. वो उससे गुस्सा रहते हैं इस वाली बात के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में और पनिशमेंट के तौर पे उसे क्या देते हैं, असाइनमेंट देते हैं. बट लेटर ही फाइंड्स हर एसेज टू बी विटी एंड अम्यूजिंग. लेकिन जब वो इस तरह के एसे अपना असाइनमेंट करके लाती है जो कि उसे पनिशमेंट में मिला था, उसे पढ़ के वो बड़े खुश हो जाते हैं. और वो विटी मीन्स चालाकी से लिखे गए थे, अम्यूजिंग मतलब थोड़ा हंसी आ रही थी. दिस ब्रिंग्स अ चेंज इन हिम एंड ही एक्सेप्ट हर आर्ग्यूमेंट. और इसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं, कौन, मिस्टर कीसिंग, और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भैया बात करना जरूरी है. ही डेवलप्स अ फनी बोन टू एंड स्टार्ट्स क्रैकिंग जोक्स इन क्लास. एक टीचर जो पहले बड़ा सीरियस रहता था भैया, अब वो भी क्लास में मजाक करने लगता है, मतलब वो भी मजाकिया बन जाता है. दिस चेंज इन मिस्टर कीसिंग्स नेचर शोज दैट ही इज अ अनप्रिडिक्टेबल पर्सन. अब ये जो चेंज आ गया भैया किसमें, मिस्टर कीसिंग में, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि वो एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन थे. मतलब उनके बारे में भाई, एक आदमी जो एक टाइम एकदम सीरियस रहता हो और अचानक से फिर ऐसा हो जाए तो अनप्रिडिक्टेबल तो है ही. नेक्स्ट देखो, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन. अब देखो कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे और आपको उस स्टेटमेंट के पढ़ के ये बताना है कि एन फ्रैंक के बारे में बताना है. पहला स्टेटमेंट देखो, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. हम लोग ज़्यादा कोई क्लोज नहीं होते हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. यही प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कन्फाइंड विद ईच अदर. अब यहाँ पे जब वो डायरी लिखने से पहले हमें बता रही है अपने रीडर्स को कि यार मेरी दिक्कत है कि मेरे दोस्त तो हैं लेकिन मैं उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं होती हूँ, ज़्यादा उनके साथ घुलती मिलती नहीं हूँ, अपने पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर सकती. देखो आंसर, दिस शोज दैट एंड डज नॉट कन्फाइंड इन पीपल वेरी इजिली. वो लोगों के साथ ज़्यादा जल्दी से घुलती मिलती नहीं है. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हर टू मेक पर्सनल रिलेशन वेयर शी कुड शेयर व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड. और उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि अपनी पर्सनल बातों को भी लोगों के साथ शेयर करना जो कि उसके दिमाग में चल रही है. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, आई डोंट फील टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड.
बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. वो कहती है कि मैं इस डायरी में उस तरह से नहीं लिखूंगी जिस तरह से लोग बाग लिखते हैं, क्योंकि मैं अपनी डायरी को अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ. ये स्टेटमेंट क्या बताता है? दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट एन डज नॉट हैव अ क्लोज फ्रेंड शी कुड कन्फाइड इन. ये बताता है कि भैया उसका कोई खास ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स या हर बात शेयर कर सके. शी वॉज लोनली डेस्पाइट हैविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स. हालांकि उसकी फैमिली भी थी, दोस्त भी थे, ऐसा नहीं था कि दोस्त नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अकेलापन फील करती थी. दस शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर ओनली ट्रू फ्रेंड. इसलिए वो चाहती थी कि जो डायरी है उसी की उसकी दोस्त बन जाए. नेक्स्ट देखो, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट कौन थी? उसकी बड़ी सिस्टर थी जो कि लगभग उससे 3 साल बड़ी थी. एंड आई फॉलोड हर इन फेब्रवरी. और मैं भी उसके पीछे पीछे गई, मतलब फेब्रवरी में मैं भी वहां पर पहुंच गई. वेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट टू फॉर मार्गोट. और जब मुझे भी उसके पीछे उस मतलब इस तरह से रख दिया गया उसके पीछे या भेज दिया गया एज अ उसका बर्थडे गिफ्ट. तो ये वाला स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज इंडिकेटिव द लव बिटवीन द सिस्टर्स. ये जो स्टेटमेंट है ये हमें ये बताता है कि दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी. ऑन माइग्रेशन एन वॉज द लास्ट वन टू बी ब्रॉट टू हॉलैंड एंड इट वॉज डन ऑन द बर्थडे ऑफ हर एल्डर सिस्टर टू सरप्राइज हर. अब देखो आपको पता होगा कि जो मम्मी पापा है वो ऑलरेडी हॉलैंड चले गए थे, उसकी बहन जो थी वो भी बाद में हॉलैंड चली गई थी, बस ये अकेली रह गई थी. तो जब उसकी बड़ी बहन का बर्थडे आया तो उसे भी हॉलैंड बुला लिया गया और उसे सरप्राइज भी मिला बड़ी सिस्टर को. अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, लेसन पढ़ा है. तो वो कहती है कि वैसे तो देखो जो 1/4 है ना, 25% बच्चे इस क्लास के गधे हैं. गधे का मतलब है मतलब पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें पास नहीं होना चाहिए, उन्हें फेल हो जाना चाहिए. लेकिन फिर भी टीचर्स तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता. आंसर देखो, एन फील्स दैट देयर आर मेनी वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास हु शुड नॉट बी डिटेन्ड. ठीक है, वो कहती है कि इन द क्लास हु शुड बी डिटेन्ड, सॉरी वो कहती है क्लास के अंदर इतने सारे वीक बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं पढ़ाई में, उन्हें डिटेन कर लिया जाना चाहिए. डिटेन का मतलब उन्हें अगली क्लास में नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें फेल करके उसी क्लास में बिठाना चाहिए. ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द क्लास डिड नॉट डिजर्व प्रमोशन बट द टीचर्स डिसीजन कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड. वो कहती है कि जो लगभग जो 1/4 बच्चे हैं, 25% बच्चे हैं, वो डिजर्व नहीं करते कि उनका प्रमोशन हो, यानी कि वो आगे जाएं. लेकिन फिर भी भैया टीचर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता किसको पास कर दे और किसको वो फेल कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब जो उसके टीचर थे मिस्टर कीसिंग, वो क्या कर रहे थे, उसे बार बार असाइनमेंट दे रहे थे पनिशमेंट के तौर पे. अब वो सोचती है यार अगर असाइनमेंट लिखना है तो लिखना है और बड़े बड़े शब्द तो कोई भी भर दे. लेकिन बात वो नहीं है, बात पेज भरने की नहीं है, बात है कुछ ऐसा लिखने की जिससे ये पॉइंट प्रूफ हो जाए, मैं सही साबित हो जाऊं और मेरे जो सर हैं वो गलत साबित हो जाएं. तो ऐसा क्या है, अब देखो, एनीवन कुड राइट सेंसलेस स्टफ व्हाइल लीविंग द बिग गैप्स इन द ऑर्डर टू फिल अप नंबर ऑफ पेजेस एंड सबमिट द असाइनमेंट इजीली. वो कहती है कि कोई भी लिख सकता है यार उल्टी सुलटी बातें तो भरने के लिए, केवल असाइनमेंट करने के लिए बीच में कुछ पेज भी छोड़ सकता है, कोई भी ये कर सकता है. और बच्चे ऐसा करते भी, आपने देखा होगा एग्जाम में जो कॉपीज मिलती है दोनों तरफ बच्चे ऐसी लाइन खींच लेंगे कि मतलब थोड़ा सा स्पेस उधर खराब कर देंगे थोड़ा इधर, ताकि उन्हें ये लगाए ये दिखाने के लिए टीचर को कि देखो कितने पेज भर दिए बच्चे ने. लेकिन वो समझते नहीं है कि टीचर भी ये सारी ट्रिक समझ लेता है. बट एन वॉन्टेड टू गिव सच आर्ग्यूमेंट्स दैट विच वुड प्रूव दैट इट वॉज नेसेसरी फॉर हर टू टॉक शी वॉन्टेड टू राइट सेंसिबल स्टेक. लेकिन जो एन थी वो इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स लिखना चाहती थी जिससे ये प्रूफ हो जाए कि मतलब एक तो वो सही है अपने पॉइंट पे, बात करना कोई खराब नहीं होता, बात करना अच्छी बात होती है. और शी वॉन्टेड टू राइट सेंसिबल स्टफ, ऐसा स्टफ लिखना चाहती थी जो मिस्टर कीसिंग को कन्विंस कर ले इस बात के लिए कि वो एक अच्छी बच्ची है, बात करना कोई जुर्म नहीं है. ठीक है, आई होप कि ये जो क्वेश्चन आंसर थे यार समझ में आ गए होंगे. कोशिश मेरी यही है कि आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, पोएम वगैरह लाता रहूं. बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरा स्टफ आपको अच्छा लग रहा है ना तो यार कमेंट करके अपने भाई को बता दिया करो कि सर अच्छा है. मैं कहता हूं यार अगर बेकार है ना तो बेकार पे भी डिसलाइक करके भाग जाओ और मुझे बताओ सर बेकार है बिल्कुल मज़ा नहीं आया. और मुझे बताओ कि आप किस तरह का स्टफ ढूंढ रहे हो, किस तरह की चीज़ें चाहते हो, तो मैं उसी तरह का कॉन्टेंट बनाऊँ जो आप चाहते हो. थैंक यू सो मच, बाय. फिर मिलूंगा आपको आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ. बाय.